एथलीट्स के अंदर एक ऐसे एथलीट भी हैं जो एक फेमस यूट्यूबर हैं और काफ़ी टाइम से वो इस चीज़ की जद्दोजहद में है कि उनको भी अपने आप को एज अ एथलीट इस्टेब्लिश करना है। दोस्तों तरुणील का कंपटीशन स्टार्ट हो गया और हम उनका कंप्लीट वीडियो लेके आ चुके हैं, आप यहाँ पर इनका कंप्लीट लाइनअप देख लीजिएगा जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा कि तरुणील की फिजिक कहाँ थी और बाकी बॉडी बिल्डर की फिजिक कहाँ थी। बाकी जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हम वीडियो के एंड में आपको बता देंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते बिना टाइम बर्बाद किए हुए एक और बात बताना चाहूंगा कि हमारे इन प्रो एथलीट्स के अंदर एक ऐसे एथलीट भी हैं जो एक फेमस यूट्यूबर हैं और काफी टाइम से वो इस चीज की जद्दोजहद में हैं कि उनको भी अपने आप को एज अ एथलीट एस्टेब्लिश करना है। और बहुत अच्छा पैकेज वो इस बार स्टेज के ऊपर लेकर के आए हैं, जिनका नाम है मिस्टर तरुण गिल और उनका ट्रंक नंबर है 786। और देखते हैं उनकी स्टेज पर क्या परफॉर्मेंस रहती है और आज इस थर्ड एनपीसी नेशनल में उनकी क्या प्लेसिंग रहती है, जजेस की तरफ से उनके लिए क्या जजमेंट आती है और कितने पॉइंट्स उनको मिलते हैं और एक्चुअली में क्या आज वो टॉप 5 फाइनलिस्ट्स में अपना नाम सिक्योर कर पाएंगे या नहीं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए भी। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड आप नज़र रखिए हमारे साथ अपनी अपनी स्क्रीन्स के ऊपर और देखते रहिए अपने फेवरेट एथलीट्स को एक दूसरे से कंपेयर करके एंड लेट्स सी के जजमेंट क्या आता है और कौन कौन इस कैटेगरी में से एथलीट कल फाइनल्स खेलेगा। 749 वंस अगेन गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा ये है मेंस फिजिक क्लास अबव 175 सेंटीमीटर्स। आप देख पा रहे होंगे इसमें ऑलमोस्ट 28 एथलीट्स हैं और बहुत टफ कंपटीशन है ये। 752 यू गो बैक, यू गो बैक 752 यस कम द हेमंत सर, क्या इतने सारे एथलीट्स में से कोई 5 एथलीट्स निकालना जजेस के लिए भी बहुत टफ हो जाता है? होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि गाइस स्टार्ट विद योर फ्रंट पोज, इतनी बड़ी लाइनअप होती है तो हम उसको 3 लाइंस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आपने देखा पहले आ गए ये 10 लड़के खड़े हैं, उसके पीछे 10 और उसके पीछे 10, यस, फिर वो 10 में से पहले जो पहली लाइन है 10 में से उससे निकाल कर फिर सेकंड लाइन में से फिर थर्ड लाइन में से, या मतलब इट्स अ प्रोसीजर लाइक तीनों रोज में पहले हम टॉप 5 मेक अ बैक निकालते हैं, मेक अ बैक जी। या भी इतनी बड़ी लाइन है जी, अगर तो 15 एथलीट हो या 10-15 एथलीट हो फिर तो टॉप 5 निकल जाता है, राइट, बट अगर जितने एथलीट हो तो पहले टॉप 10 फिर टॉप 5, ओके, मतलब इस तरह से चलता है, राइट राइट राइट। सो जितने भी व्यूअर्स इस लाइव फीड को देख रहे हैं अपना दिल थाम करके देखें इस कैटेगरी को, क्योंकि इस कैटेगरी में बहुत टफ फाइट है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स इस कैटेगरी के अंदर आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बड़ी लाइनअप है नो डाउट। आई एम श्योर कि इस कैटेगरी में शायद सबसे ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है, जजेस को भी अपना पूरा टाइम चाहिए ताकि उन्होंने आज तक जो स्टैंडर्ड्स एनपीसी के मेंटेन करके रखे हुए हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ बरकरार रहें और किसी भी एथलीट को यहाँ से उनकी जजमेंट के ऊपर कोई शक शुबा बिल्कुल ना रह जाए। सो आई एम श्योर गाइज के ये सबसे बड़ी लाइनअप है अभी तक की थर्ड एनपीसी नेशनल चेन्नई की और देखना ये रहेगा कि अब इनमें से कौन से 5 टॉप फाइनलिस्ट निकलते हैं जो कल फाइनल में पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू गाइज, मूव बैक। क्लासिक फिजिक है जी, बॉडी बिल्डिंग है, स्प्रेड आउट यू नो, इनका हर एक का अपना एक जैसे जजेस में प्रोटोकॉल होता है, एक तरीका होता है जज करने का, राइट। जैसे क्लासिक फिजिक में पोजिंग भी देखते हैं जी, जो क्लासिक पोज होता है, योर फेवरेट पोज जी, पोज बिल्कुल, तो वो भी दिखाना पड़ता है जी। तो हर एक रीजन जो है गाइस स्टार्ट विद द फ्रंट पोज, स्टार्ट विद द फ्रंट पोज, वो उसी के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली होती है, राइट। तरुण गिल के जाने के बाद जो टोटल बॉडी बिल्डर रुके थे ऑन स्टेज उसमें 13 बॉडी बिल्डर ऑन स्टेज थे, मतलब कि दोस्तों कंफर्म हो चुका है कि टॉप 13 में भी तरुण गिल एनपीसी कंपटीशन में नहीं आए। अब इसके बाद उनकी कौन सी पोजीशन आई, जब तरुण गिल की तरफ से अपडेट आ जाएगी तो वो अपडेट हम लेके आ जाएंगे आप लोगों के सबसे पहले।